हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का साहिल दलाल गेम्स पर। दोस्तों, पिछले वीडियो में आपने देखा था, हमने अपने इस खेत में ये फसल बोई थी और ये तब खरी थी। लेकिन दोस्तों, मैं इस गेम को चलाकर भूल गया और जिस वजह से ये फसल पकने के बाद ख़राब हो गई, क्योंकि हमने इसकी समय पर कटाई नहीं की। तो दोस्तों, अब ये फसल ख़राब हो चुकी है। जैसे ही हम इसमें मशीन चलाते हैं, ये देखिए ये साइन आ जाता है, क्योंकि ये फसल अब इस मशीन से नहीं कटेगी। देखिए दोस्तों, क्योंकि अब ये ख़राब हो चुकी है, अब इसका हमारे पास और कोई उपाय नहीं है। इसको हमें, जैसे हम अपने खेत में करते हैं, इसकी कल्टीवेटर के साथ जुताई करनी पड़ेगी। तो दोस्तों, हम शुरू करते हैं अपना ये ट्रैक्टर, इस ट्रैक्टर के साथ कल्टीवेटर जोड़ के और इसकी जुताई शुरू कर देते हैं। अपने तीनों खेत में दोस्तों फसल ख़राब हो गई, क्योंकि हमने समय पर कटाई नहीं की। तो अब हमको दोस्तों, ये देखिए, इसमें ट्रैक्टर चलाना पड़ेगा। दोस्तों, अपना खेत, ट्रैक्टर इस खेत में जुताई कर रहा है, तब तक अपने पास ये नोटिफिकेशन आया है। देखते हैं इसमें क्या है। दोस्तों, ये है, द बेकरी नीड्स लोड्स ऑफ पोटैटो, आई विल पे 1.5 टाइम्स मोर फॉर द नेक्स्ट टाइम। पर दोस्तों, अपने पास पोटैटो अभी बचे हुए नहीं हैं, तो हम ये टास्क नहीं ले सकते, इसलिए हम नो कर देंगे। ओके दोस्तों, अभी अपने पास पोटैटो हैं नहीं। देखिए दोस्तों, अपने इस खेत की जुताई का काम पूरा हो गया है और ट्रैक्टर अपने आप रुक गया। दोस्तों, अब हम एक और नया ट्रैक्टर खरीदने की सोच रहे हैं, इसलिए अपने पास अभी तक जो गेहूं थी स्टोरेज में, उनको हम बेच रहे हैं। गेहूं को बेच के जितने भी पैसे मिलेंगे, उससे हम फिर एक नया ट्रैक्टर और खरीदेंगे। तो दोस्तों, अपना जो दूसरा ट्रैक्टर है, वो गेहूं बेचने के लिए लगा हुआ है। ये देखिए दोस्तों, इस ट्रैक्टर को हमने ऑटो पायलट मोड पर डाल दिया है और
इसको जिस जगह पे जाना है वो लोकेशन हमने सिलेक्ट कर ली, अब ये अपने आप वहाँ पर जाके जो ये गेहूँ है ये बेचाएगा। दोस्तों अपने इस ट्रैक्टर ने दूसरा खेत की भी जुताई का काम पूरा कर दिया है, अब हम इसको यहाँ से हटाकर अपने तीसरे खेत में लगाएंगे। दोस्तों अपने तीनों खेत की फसल खराब हो गई अब की बार, कोई बात नहीं, हम इसको फिर से बो देंगे। जुताई हमने दोनों खेत की कर दी है और हम इस ट्रैक्टर को बेचकर या वैसे ही एक तीसरा ट्रैक्टर और खरीदेंगे जिससे कि हम और भी जल्दी जल्दी काम कर सकें। देखिए दोस्तों अपने पैसे कैसे अपने आप बढ़ रहे थे, इसका मतलब है अपना जो दूसरा ट्रैक्टर हमने भेजा हुआ है उसने जाके अपनी गेहूं बेच दी है। देखिए दोस्तों किस तरह से ये अपना ट्रैक्टर अपने आप अपनी फसल बेच के वापस आ चुका है। ये देखिए आपको यहाँ से अपना ट्रैक्टर आता हुआ दिखाई दे रहा होगा, ये अपने आप आ रहा है और ये अब यहीं से गुजरेगा अपनी कंबाइन के आगे से, और कैसे अपना तीसरा ट्रैक्टर है जो यानी कि दूसरा ट्रैक्टर है वो वहाँ पर लगा हुआ है काम। ये देखिए दोस्तों अपना ट्रैक्टर आ गया है, अब हम एक चक्कर और लगाएंगे दोस्तों क्योंकि अभी कुछ गेहूं और बची हुई है, वो गेहूं भी हम अपनी ट्रॉली में डाल के उसको भी बेच देंगे। ये देखिए दोस्तों अपनी ट्रॉली फुल हो चुकी है और फिर से हम सिलेक्ट करते हैं और इस ट्रैक्टर को यहाँ पर ये मील का निशान है यहाँ पर हम बेच देते हैं ये गेहूं बेचने के लिए। देखिए दोस्तों अपने आप अब चला जाएगा ट्रैक्टर। और दोस्तों अपने ये ट्रैक्टर ने लगभग काम पूरा कर दिया है, अब हम इसको बोने पर लगा देंगे। अब की बार हम गेहूं अपनी गेहूं सारी खत्म हो चुकी हैं, थोड़ा अब की बार कैनोला ही फिर से बोएंगे हम, जो हमारी पिछली फसल खराब हुई थी वो भी कैनोला की ही थी, लेकिन फिर से एक बार हम कैनोला ही बोएंगे। देखिए दोस्तों कैसे अपने आप ही अपना दूसरा ट्रैक्टर जाते हुए, ये देखिए दोस्तों ये अपने आप जा रहा है अपना ट्रैक्टर दूसरा।
देखिए दोस्तों, अपना पहले वाला ट्रैक्टर यहाँ पर अपने आप बोने के लिए, कैनोला बोने के लिए लगा हुआ है, और अपना ये ट्रैक्टर जो गेहूँ बेचने गया था वो वापस अपने खेत में आ चुका है। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। आज हम अपने तीनों खेत में दोबारा से कैनोला बोकर और फिर से उसका बड़ा होने का वेट करेंगे। तो दोस्तों जब हम अगली वीडियो में मिलेंगे, अपना कैनोला बड़ा हुआ मिलेगा अपने को, यानी कि काटने का टाइम आया होगा उसका। और अगली वीडियो में दोस्तों हम सोचेंगे कि एक ट्रैक्टर नया लें या फिर एक खेत और नया लें। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में।